सुंदर पांडे नाम है हमरा। दिखता है बहुत सुंदर है आप। यहाँ का एमएलए हैं हम, तो उन्हें जिनको तुमने अंदर किया है ना, वो हमारे बच्चे हैं, उनको छोड़ दो, हम कह रहे हैं। वो तो नामुमकिन है, चाहिए तो आपको अंदर डाल सकता हूँ मैं आपके बच्चों के साथ। हे डीसीपी, हमसे मत उलझ, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। 5 मिनट के अंदर अगर वो लोग बाहर नहीं आए ना, तो तुमको बाहर करवा दूंगा। मैं यहां किसी से बात करने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए बैठा हूं। ना तो तेरा काम रहेगा और ना ही तू बात करने के लायक रहेगा। दो तरह के डॉगी होते हैं, एक जो सिर भौंकते हैं और दूसरा जो काटते हैं। वो अलग बात है कि मुझे दोनों से डर नहीं लगता। किसको डॉगी बोल रहा है रे, यहीं पर काट के रख दूंगा, तेरी छोटी छोटी टुकड़े करके इस पूरे थाने में बिखेर दूंगा अगर तूने हमारी बात। क्या कर रहे हो? पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता इन्हें। मैंने कहा था ना, इन्हें खुला छोड़ेंगे तो ये हमें ही काटने आ जाएंगे। अब ये एमएलए क्यों है? चल अबे रुक जा, नहीं सुनो, तुम हमको नहीं जानते हो। मार करेगा, चल भागो। अबे अरे तू मार देगा, अरे पागल है, अरे ए कभी ये स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हां हूं। इन पापियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये और पाप करते ही जाएंगे। अबे अबे स्टॉप, रुक जा। अरे कहां भाग गए सबके सब? अंदर आओ। तुम एक पुलिस वाले होकर एक गुंडे जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें गालियां दे रहा है वो और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? किस मिट्टी के बने हो तुम? उसके लिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? गुस्सा आया तो तुम कुछ भी कर लोगे क्या? मैं यहाँ सीनियर ऑफिसर हूँ, ये ध्यान रखना। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला तू बाहर वाला? क्या कहा तूने? मैं बाहर वाला हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं। देखेगा हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। क्या कर रहे हो? सर ए, पीछे। अरे, अरे, अरे चलो रे। मिस्टर अभिषेक भार्गव, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट्स, आई एम सॉरी। हायर ऑफिसर के साथ तुमने मिसबिहेव किया है, यू आर सस्पेंडेड। हम मां के बारे में बात करेंगे। अपने बेटे से कोई मां प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसी मां ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा, अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा। उस वक्त हमने मां को भला बुरा कहा होगा, फिर भी हमारी मां का जो प्यार हमसे है या फिर अपनी मां से जो प्यार हम करते हैं, वो कभी कम हो सकता है क्या? भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहां आकर सेटल हो गए हो, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी मां की तरह है। इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जातपात, आतंकवाद, ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है। उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यहां पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए। माय गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। To inspire you all, I would like to introduce few gentlemen here. India के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना, ये आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पे निर्धारित होता है। तो लीजिए, मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर, विश्व के अमीरों में 7वें स्थान पर हैं। हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथन, ये एग्रीकल्चर में सहायक, और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है। मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं वो बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं। सो ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं। थैंक यू। घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं। सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन।
and invest in India. Jai Hind. Thank you, Mr. Prime Minister, for giving us your precious time. Good speech, sir. Thank you. Kya abhi? Training trip, huh? अपने वारिस को रेडी कर रहे हैं डैडी? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते। उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ। सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ओके ओके, नहीं पूछता और तुम भी मत बताओ। हम आपको आपके भांजे के पास नहीं ले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने तो आपको मुझे कार्तिक के पास ले जाने को कहा। उसी ब्रिगेडियर ने आपको 2 दिन तक कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आपके भांजे के आसपास कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर से कहिए सर। शायद कार्तिक की जान खतरे में है। अगर मेरा भांजा खतरे में है तो उसका मामा वेंकट नायडू युद्ध में है सर। स्टॉप। ब्रिगेडियर को फोन करो। What the hell is happening here? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पता है, मैं भी कभी यही यूनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था, लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपने मेरे भांजे के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम जानना चाहते हो कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है? अभी अभी लंदन के मेयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। I'm extremely sorry, Mr. Prime Minister. This should never have been allowed to happen in our country. It's all right. It could have happened anywhere. Mm-hmm. I don't know how you remain so calm. It's quite simple. I'm not dead. Well, I don't want to take much of your time. Good day. Kadir, आओ। Sir, Kadir Vann, Senior Officer, Military Intelligence. We are batchmates. बैठिए। Yes, sir. कई assignments के लिए पाकिस्तान में 5 साल undercover officer रहे। चश्मा टाउन में न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाले एक प्लांट को दुनिया की नजरों से छुपा कर चला रहे थे, जिसे एविडेंस के साथ एक्सपोज करने के लिए वहाँ के सलून में 6 महीने काम किया। वहाँ आने वाले साइंटिस्ट के हेयर को कट करके सैंपल्स कलेक्ट करके फलों की दुकान चलाने वाले हमारे एजेंट के जरिए इंडिया भेजा था। ये अच्छा फल है, ले लो इसको। शुक्रिया। जब हमारे लैब में उनका टेस्ट किया गया तो उसमें प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी पाई गई सर। प्लूटोनियम 239 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के किसी डबल एजेंट के लीक करने की वजह से कदीर और हमारी बाकी टीम को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अभी टॉर्चर करने के बाद भी, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहां से ये भागकर इंडिया वापस आ गए। ग्रेट, यू ऑल आर द रियल हीरोज। लेकिन पब्लिक में आपकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, ऐसी सर्विस है ये सब सीक्रेट ऑपरेशन है सर, तो तारीफ भी सीक्रेटली ही मिलती है। इट्स ऑल फॉर द नेशन सर। अभी बताया इन्होंने कि कुड़ई करे हुए मिलिट्री गोडाउन को उड़ाने वाला ऑपरेशन भी तुमने ही पूरा किया था, लेकिन तुम्हें पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? नो सर, ना हमें रीजंस बताए जाते हैं ना हम वो पूछते हैं सर। कुड़ई करई में आपने केमिकल वेपन्स खत्म किए थे। जब पड़ोसी देश के साथ किसी का युद्ध होगा तब उस देश की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए कुछ हथियारों के साथ साथ चुपचाप से ये केमिकल वेपन्स भी भेजने के लिए तैयार रखे गए थे। इट सेकंड्स यूएन आर्म्स ट्रीटी। इट्स एब्सोल्युटली एन इलीगल स्कैम। ये काम जिसने भी किया इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए, उसे और कितने दिन छुपा कर रखते हैं? यू डिड एब्सोल्युटली राइट। वहां क्या है वो जाने बिना सिक्योरिटी कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाया है। केमिकल वेपन शहर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसे साइक्लोन ने मोड़ दिया। पिछले सरकार ने जो गलती की उसके प्रायश्चित के तौर पर हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। You are a good actor, Kadir Vann. सब बात जानते हुए अनजान बनते हुए ये नाटक कर रहे हो ना? Sir. कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। Legally wrong but ethically right, है ना? दुर्योधन ने तीर कमान पकड़ा तो अधर्म, और अगर उसे अर्जुन ने पकड़ा तो वो धर्म कहलाता है। You have made my day. I like you, young man. Joseph. Sir. इन्हें अगर मेरे पास ही रहना हो तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलीव करवाकर एसपीजी में डिप्यूट करना होगा। हाँ तो करवा दो। ओके सर। ये देख, और एक पुलिस वाला है।
आगे खड़ा है, इसको भी उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे। हाँ, इसे भी उड़ाता हूँ। पांच दिन अंदर रहूंगा, उसके बाद जब मैं बाहर आऊंगा देखता हूँ तू फिर क्या कर लेगा। हाँ बोल। अरेस्ट? मुझे अरेस्ट बोले तो एनर्जी, एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। वो अपने आप को क्या समझता है, अरेस्ट करना तो वो जानता ही नहीं है। जिसको जहां पकड़ता है वहीं ठोक देता है। जिसे भी वो मार रहा है वो या तो क्रिमिनल होता है या फिर वो गैर कानूनी धंधा करने वाला। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सबको मारते चले जाओ। हर रोज ह्यूमन राइट्स वाले इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? जो कुछ भी वो कर रहा है उससे गुंडों में डर तो आ रहा है ना। दिन ब दिन वो हीरो बनता जा रहा है, डिपार्टमेंट में सभी लोग उसे रुस्तम नाम से पुकारते हैं। सर, अभिषेक साहब आए हैं। अंदर भेज दो। जय हिंद सर। कहिए सर, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट? ऐसे एक के बाद एक एनकाउंटर करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले कंप्लेंट ही करेंगे ना। पुलिस और गुंडों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, हर गुंडा मुझसे डरता है लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैंने तो किसी पुलिस या मासूम का एनकाउंटर नहीं किया, सिर्फ गुंडों का किया है। जहां क्रिमिनल रहेगा वहां यह अभी रहता है और यही मेरा उसूल है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। जय हिंद सर।